इंडिया का मोस्ट वास्ट और मोस्ट एक्टिव गेमिंग कम्युनिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर ना गेमिंग एक्सेसरीज को लेकर भयंकर डिमांड रहती है। तो विंग्स ने अभी एक ऐसे नेकबैंड लॉन्च करे हैं जिसमें आपको डिटेचेबल माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जो कि आपकी माइक्रोफोन क्वालिटी कहीं ना कहीं और भी बेहतर बनाता। तो यार जो नेकबैंड जिनका नाम है फैंटम 1000 करके, फटाफट से डब्बा खोलते तो यहाँ पे सबसे तो ब्रांडिंग वगैरह कर रहा है कि साइड में हाईलाइट्स मिल जाते हैं। कंटेंट्स की बात करूँ तो वही आपको एक साल का वारंटी कार्ड मिलेगा, एक मैनुअल मिलेगी, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप सी वाली, साथ में एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स मिल जाते हैं, एक डिटेचेबल माइक्रोफोन मिलता है और साथ में आपका मेन डिवाइस आपको मिल जाता है। अब मेन डिवाइस अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो काफी लाइट वेट है, मतलब वेट के मामले में बहुत ही हल्के देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का आपको हेड्स देखने को मिलते हैं, डिजाइन थोड़ा सा गेमिंग वाला रखा है तो आपको जो हेड्स है वो बड़े देखने को मिलते हैं। बाकी जो बीच में इन्होंने सिलिकॉन यूज किया वो काफी सॉफ्ट है, काफी इजीबल और मोल्डेबल भी, मतलब ब्रेक वगैरह होने की दिक्कत नहीं आती क्योंकि मोस्टली जो नेकबैंड है उनमें वायर खराब होने का इश्यूज रहता है, तो वो दिक्कत आपको ऐसे आने वाली। और नेक के अराउंड भी आपको काफी सॉफ्ट फील करता है ये बीच का सिलिकॉन। अदर पार्ट्स की बात करें कि जो हेड्स दे रखे हैं, अब हेड्स में एक साइड जो हेड है उसमें सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, माइक्रोफोन मिल जाता है, विंग्स की ब्रांडिंग कर रखी है, ऊपर टॉप पर आपको सारे बटन्स वगैरह दे रखे हैं, साइड में आपको जो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंटर मिल जाता है और फ्रंट में यहाँ पर जो है डिटेचेबल माइक्रोफोन लगाने का आपको पोर्ट मिल जाता है। अदर साइड वाले हेड पर सिर्फ आपको आरजीबी लाइट का इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि अब गेमिंग ईयरबड थोड़ा सा इफेक्ट आरजीबी का कूल सा आपको यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि गेमिंग मोड में तो वर्क करते ही करता है कि नॉर्मली अगर आप इस नेकबैंड को यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्लो करता है। अगर ईयर टिप्स की मैं बात करूँ तो ईयर टिप्स जो है वो मेटेलिक आपको देखने को मिलते हैं और साथ इसमें मैगनेट भी मिल जाते हैं, तो ईजिली ये जो है अटैच हो जाते हैं। अगर नेक के अराउंड हैंग कर रहे हैं और अगर आप बहुत टाइम तक यूज नहीं कर रहे तो घूम जाते हैं, बट मैगनेट्स होने की वजह से आपके नेक के अराउंड ही जो है नेकबैंड हैंग करता रहता है पूरे टाइम। अगर बात करें इसकी स्पेक्स को लेकर तो हमें जो ब्लूटूथ है वो काफी सही इन्होंने यूज किया, 5.2 इन्होंने यूज किया, जो कि काफी लेटेस्ट हो जाता है और आई वुड से कि कनेक्टिविटी काफी सीमलेस आपको मिलने वाली इस डिवाइस के साथ में। साथ ही में यहाँ जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे 60 आवर्स का प्लेबैक परफॉर्मेंस आपको ये डिवाइस देता है, यानी कि एक सिंगल चार्ज में 60 घंटे तक आप जो है इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस अगर देखो मैं नेकबैंड की बात करूँ तो इजीली जो है 40-50 घंटे तो ये चल जाते हैं, मतलब एक सिंगल चार्ज में, क्योंकि वॉल्यूम का वेरिएशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो परफॉर्मेंस परफेक्ट करता है। अब यहाँ पे वाटर रेट नहीं है जो नेकबैंड है वो कहीं ना कहीं स्वेट को तो इजीली रेजिस्ट कर जाता है। और साथ ही में इन्होंने यहाँ पे टाइप सी की जो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपका डिवाइस जो है 2 घंटे के अंदर कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगे, और यहाँ पर जो रिकमेंडेड चार्जर है वो 10 वॉट का आपको यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो काफी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, 12mm के इन्होंने यहाँ पे ड्राइवर यूज करे हैं, और साउंड क्वालिटी अगर बात करूँ तो नेकबैंड काफी अच्छे साउंड कर जाते हैं, यानी कि जो बेस है ट्रेबल्स है वो काफी बैलेंस आपको सुना देते हैं, कुछ भी ऐसा ओवर एक्सपोज नहीं है या ओवर हाई आपको देखने को मिलता है। इवन अगर आप 100% वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो डिस्टॉर्शन जैसी चीज जो है ना इस नेकबैंड में कहीं ना कहीं नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है साउंड लिसनिंग के टाइम पे या मूवी देखने के टाइम पे काफी बेहतर रहने वाला है यहाँ पर। बाकी जैसे कि एसेंशियली इसको गेमिंग पर्सपेक्टिव से बनाया है तो यहाँ पर जो स्टीरियो सेपरेशन वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव आपको देखने को मिलता है, और इस डिवाइस में जो है लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यानी कि 40ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस एनेबल्ड है इस डिवाइस में, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पर गेमिंग बटन दे रखा है, जिसको आप स्विच करेंगे तो आप गेमिंग मोड में जाएंगे और वहां पर आपको ये सारी परफॉर्मेंस देता है, और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी, और मैंने यहाँ पर इसका प्रॉपर टेस्ट भी कर रखा है तो एक बार नजर डाल सकते हो। अभी गेमिंग का तो अंदाजा लगा हुआ कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, बट जो माइक्रोफोन है कहीं ना कहीं वो भी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं गेम प्ले, जैसे कि अगर आप बीजीएमआई या कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम खेल रहे हो तो अब वहां पर इसमें जो है आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन दे रखा है, और अभी जो क्वालिटी सुन रहा है तो आवाज सुन रहे ना वो इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से ही आ रही है, और कैसे लग रही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट यहाँ पर आपको एक एडवांस जो है आपको डिटेचेबल माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जिसको मैं लगाता हूँ अभी वो जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना वो इस डिटेचेबल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, ट्रांजिशन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है आवाज चेंज हो जाती है, और काफी इफेक्टिवली मेरे साथ ये वर्क करता है। कमेंट सेशन में आप मुझे बताना कि आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस इस माइक्रोफोन की लगी। और जैसे कि डिवाइस में यहाँ पे बटन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, उनके फंक्शन की मैं बात करूँ तो गेमिंग मोड में स्विच करना तो उसके डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड कर रखा है, और लाइट जो है ग्लो करना शुरू हो जाती है। साइड में यहाँ पर आपको नॉर्मल बटन दे रखे हैं प्लस माइनस का, और एक मल्टी फंक्शन बटन दे रखा है, तो मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करके आपका जो म्यूजिक है प्ले पॉज जाता है, और अगर कंटिन्यू करना है ऑफिस से म्यूजिक को तब इसको प्रेस करें आपका जो म्यूजिक है वो कंटिन्यू हो जाता है। वहीं पास से वॉल्यूम का बटन भी दे रखा है, तो जैसे आप प्लस वाला दबाएंगे तो आपकी वॉल्यूम जो बढ़ने लगेगी, माइनस से जो आपकी वॉल्यूम यहाँ पे कम होने लगेगी, और प्लस वाले को अगर आप प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ट्रैक आपका फॉरवर्ड हो जाता है, माइनस से वहीं ट्रैक आपका जो बैकवर्ड हो जाता है। असिस्टेंट को वेक करना तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन को जो प्रेस करके होल्ड करना होगा, तो जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेक हो जाता है। कॉल वगैरह आने वाले केस में आप मल्टी फंक्शन बटन को एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल पिक हो जाएगा, सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल आपको जो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का फंक्शन जो है आपके बटन प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली देखो ओवरऑल वे में इस डिवाइस को मैं कंक्लूड करूँ तो प्राइसिंग जो है लॉन्च वाली इनकी
₹999 आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 कस्टमर्स को ये सिर्फ ₹999 का मिलेगा। बाद में इसकी जो प्राइसिंग वो बढ़ जाएगी। बट टेक्निकली अगर मैं नाइकबैंड की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रेफरेबल है जो गेम ज्यादा खेलते हैं या बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं गेमिंग जैसी एक्टिविटीज में, तो उनके लिए कहना कि बेहतर ऑप्शन बन जाता है अगर आप वो हेडफोन या फिर वायर्ड वाले अगर आप यूज नहीं करना चाहते। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा बस ये कहूंगा अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना और कमेंट बताना कि आप गेमिंग के टाइम पे कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ईयरबड्स, नेकबैंड या फिर हेडफोन का यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेट रहेगा इन दो रेस्पर के साथ।